हाल 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 सही बने माँ करती कहाँ विलंब बंदहूँ मैं श्री कृष्ण राधिका बंदहूँ श्री बलराम कुछ सज्जन गण जुटे भाई सबको कोटि प्रणाम नमो निरंजन देव आपका कोई न जाने भेव देव वरदान ज्ञान गावै के सुरतान नमो राम धानम नमो कोटिकामम नमो हे दिनामम नमो नंदरानी नमो हार व्यालम नमो मुंडमालम नमो चंद्रभालम नमो भव भवानी नमो देव देवम नमो शानी भेवम नमो ठानी भेवम नमो तालितानी नमो आदिशूलम नमो पारिशूलम नमो हे सुशीलम नमो वेदवाणी अच्छा बाबू जी जैसा कि विगत वर्षों की भांति हमें यह मालूम हुआ कि हर वर्ष यहाँ पर मंगलवार को बुढ़वा मंगर के नाम पर कोई ना कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है चाहे विराह का कार्यक्रम हो या नाच का प्रोग्राम हो लेकिन कुछ ना कुछ ये गांव के लोग इकट्ठा होकर के अपने यूनिटी के बल पर कोई ना कोई प्रोग्राम अवश्य करते हैं तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम दो कलाकारों का यहाँ पर विराह का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे साथी कलाकार नीलमराज साथ ही साथ अभी देखो तो नहीं शायद भाई सूरज यादव भी आए हुए हैं साथ में आए हुए समस्त मुक्त वादकगण मंच के माध्यम से
माइक से हमारे नाद की आवाज जहां तक भी जा रही हो, समस्त माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों एवं पास में बैठे हुए अपने गुरुजी एवं गुरुतुल्य बैठे हुए सभी लोगों को ये बिरहा का निम्न स्तर का कलाकार मुन्ना यादव सबको करबद्ध तरीके से कोटि कोटि वंदन एवं नमन करते हुए अपने बिरहा का शुरुआत करना चाहेंगे। कहा गया है दोस्त, जो बोलेगा गलती उससे होगी, तो हम भी बड़े होकर के, हम भी मंच पर खड़े होकर के जब बोलेंगे तो कुछ ना कुछ गलती अवश्य होगी। तो जेकर लड़का लागे बेटवा समझ के, जैसे बड़वार हो गए चचा समझ के माफ कहे, यहाँ बड़े के भैया गलती मंच में कुछ कुछ हो था। तो कोई भी कार्यक्रम करने से पहले, शुभ कार्य शुरू करने से पहले कलाकार अपने इष्ट देवी या देवताओं का पूजन अर्चन करते हैं, तो ये भक्त भी अपने इष्ट देवी का अर्चन करना चाहता है। लेकिन कहा गया है कि मास्टर के इशारे करे के लिए थोड़ा सा तर्जिया बतावे के पड़त है। मास्टर सीजनी वाले में आई जाते हैं, इशारा को समझते हुए कोनो दुल्हनी का नवा नवा बियाह हुआ, सीजन सेम ही है, गर्मी पड़त रहे बाबू, फर्क इतना रहे कि दुल्हनिया शहर के रहे और दुल्हवा ऐसे देहात के रहे, तो बेचारी जहाँ रहत रहे वहां लाइन तो कटे नहीं, लाइन की व्यवस्था बड़ी बढ़िया रहे, हरदम पंखा चलत रहे, लेकिन जब यहाँ आए तो लाइन ही नहीं, लाइन नहीं बाबूजी, दुल्हनिया अपने दुल्हवा से कहत बा, बाप रे बाप ई गर्मी हमसे सही नहीं जात बा, दुल्हनिया अपने दुल्हवा से कहत बा, मास्टर आयल गर्मिया के, आयल गर्मिया के दीन हो सैया, दीन हो सैया बनिया डोलाया, बड़े प्यार से अपने दुल्हा से कहत बा, यही कहत बा मास्टर कि आयल गरमिया का दीन हो राजा बनिया डोलाया, डोला द राजा बनिया डोला, बनिया डोले जा राजा बनिया डोला, बनिया डोले जा राजा बनिया डोला, बनिया डोला द दुल्हा बनिया डोला, कबड़ी सब खीन हो राजा बनिया डोलाएगा, खीन हो राजा बनिया डोलाएगा,
अच्छा आप परम आदरणीय चाचा श्री देव नारायण जो इस कार्यक्रम के आप अध्यक्ष हैं, चाचा जी के करकणों द्वारा बड़ा ही सुंदर एक पुष्पहार, साथ ही साथ 101 रुपए का पुरस्कार चाचा श्री के चरण छू कर के आशीर्वाद की कामना बा, साथ ही साथ सब भैया लोगों के पहले की प्रणाम बा। तो तर्ज रहा मास्टर, लेकिन यही तर्ज में ई भक्त माई से वंदना कहत बा, माई से वंदना करत बा, कहत बा कि हंसवा पे हो ई केसा वार हो मासा वार हो माई पीड़वा बजाई दा, बिड़वा बजाएगा हंसवा पे होई केसा वार हो मासा वार हो माई बिड़वा बजाएगा पहले बंद में कह रहा है कि माँ ये भक्त देखा नहीं है, ये भक्त देखा नहीं है लेकिन सुना है। सुना क्या है कि सुनली कि माई तू बजावेलू सितारावा, गोदिया में तोहरे भगतवन के डेरावा, सबही करेला जय जय कार हो जय जय कार हो माई पीड़वा बजाएगा, भक्त मैं आपका दर्शन करने के लिए गया हुआ है और देखा है कि माँ आपका निवास बहुत ही ऊंचाई पर है, ये भक्त स्वयं जाकर के देखा है, इसलिए भक्त कह रहा है कि ऊंचे पहाड़ माई कैलू बसेरा, बहुत ऊंचे पर है लेकिन जब भक्तगण आपके दर्शन करने के लिए जाते हैं तो माँ आप तो दर्शन देने में देर नहीं करती है।
इसलिए भक्त कह रहा है कि ऊंचे पहाड़ माई कैलू बसेरा बा, भक्तन के दर्शन में क्यों नहीं दे रहा, ममता पातो हरिया पार हो माया पार हो माई पीड़वा बजाय द, भक्त माई कुछ गावे बजावे नहीं जानत, सिर्फ माई तोहरे सहारे ही भक्त कुछ गावत है। इसलिए भक्त अरदास कर रहा है, माँ मैं आपको सिर्फ इतने देर के लिए कष्ट दे रहा हूँ कि जब मैं मंच पर गाऊं उस समय माँ आप वास जरूर करना, आप हमारे कंठ पर वास करना, हमारे कंठ से जो भी निकले उसमें मिठास हो माँ। इसलिए भक्त कह रहा है बस जा तू कंठ माई तोहई सहैया, तोहरे सहारे माई बनले गवैया, असरा लगाई बारम पार हो बारम पार हो माई बिलवा बजाय, भक्त अपने गुरु घराने के परिचय में बता रहा है कि आखिर में ये कली किस फूल से निकल करके बाबूजी आई हुई है, क्योंकि कोई भी कलाकार चाहे जिस भी दुनिया में हो उसका कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। इसलिए भक्त आखिरी कड़ी में अपने गुरु घराने के परिचय में बता रहा है, स्वामी सीताराम ही त भैले स्वर्गवासी, गुरु शोभनाथ माई बलिहा निवासी, मुन्ना बानी पट गार हो माग वार हो माई पीड़वा बजाय,
अच्छा आप समर स्टूडियो यूट्यूब चैनल गुड़वा थरवई प्रयागराज प्रोपाइटर विजय कुमार यादव, ये भाई साहब का सामने कैमरा लगा हुआ जवन हम पते गाँव थी सब रिकॉर्ड होत बा। समर स्टूडियो बड़ा बढ़िया स्टूडियो है, इस चैनल पर हम भी प्रोग्राम को सुने हैं, बड़ा बढ़िया आपका प्रोग्राम है। आप विजय कुमार यादव आप भैया के करकमों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की कामना बस सब भैया लोगों के पहले की प्रणाम बा। मास्टर कुछ बजाए क्या थोड़ा माई के सुमिरन हो गवा बाबूजी कौनो दुल्हन बड़ा बढ़िया से देवी के पूजन अर्चन कर दबा, पूजन अर्चन कर दबा, लेकिन दुल्हे राजा का पता नहीं बा। दुल्हनिया बाबूजी बड़ी आशा से अरदास कर दबा कि मालिक हम तुहार इतना पूजा अर्चन करते हमारे दुल्हा राजा कहाँ हैं, जब दुल्हे राजा के याद आवत है तो हमका बड़ी याद सतावत है।